एक खबर ये है कि 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है और दूसरी खबर ये है कि लगभग 1.5 लाख कोरोना के मामले हर रोज आ रहे हैं। पहली खबर और दूसरी खबर के निष्कर्ष से बनती है सबसे बड़ी खबर कि अगले 2 महीने तक करोड़ों जिंदगियों से खिलवाड़ होने जा रहा है। सरकारें इसमें शामिल होने जा रही हैं, अदालतें इसमें मूकदर्शक बनने जा रही हैं और चुनाव आयोग इसका साझेदार होने जा रहा है। जिस देश ने देखी है दूसरी लहर की भयावह त्रासदी, जहां अस्पताल, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन और दवाई बिना मरे हजारों लोग, जहां चिता जलाने के लिए कम पड़ गए सैकड़ों घाट, जहां फेंक दी गई हजारों लावारिस लाशें, वहां करोड़ों लोगों की भागीदारी का त्योहार होने जा रहा है। हालांकि कौन सा ये पहली बार है जब जनता की जिंदगी से खिलवाड़ होने जा रहा है। नमस्कार, मैं तान्या यादव, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दूसरी लहर के बीच 5 राज्यों के चुनावी दंगल की कीमत पूरे देश ने पहले ही चुकाई है। अब बारी है तीसरे लहर के बीच 5 राज्यों के चुनावी समर की। एक तरफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले कुछ हफ्ते और कुछ महीने देश के लिए और भी भयावह होने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन सब भयावह संभावनाओं के बावजूद चुनाव आयोग को तारीखों का ऐलान सबसे ज्यादा जरूरी काम लगा। ऑक्सीजन, अस्पताल, दवाई, डॉक्टर और एम्बुलेंस की व्यवस्था पर्याप्त हो या ना हो, चुनाव आयोग को मतदान की व्यवस्था का काम ज्यादा जरूरी लगा। कहा तो जा रहा है कि वृद्ध, विकलांग और 80 पार बुजुर्गों को मतदान के लिए पोस्टल वोट की सुविधा दी जाएगी, मगर 95% आबादी को कतार में लगने और मतदान करने के लिए छोड़ दिया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग को लोगों की फिक्र नहीं है, इसने कई जरूरी गाइडलाइंस को जनहित में जारी किया है। इसी बीच मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा से जब एक पत्रकार ने पूछा कि सिर्फ 15 जनवरी तक रोक क्यों लगाई गई है जबकि फरवरी में कोरोना अपने चरम पर होगा, तो उन्होंने इस सवाल को हंसी में टाल दिया। बोले, ना तो मैं ज्योतिषी हूँ ना ही आप ज्योतिषी हैं, ऐसा कहकर पूरे मामले को हल्का कर दिया। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखकर क्या इस बात में कोई गुंजाइश रह गई है कि आने वाले हफ्तों और महीनों में हालात बद से बदतर होने वाले हैं? क्या इस देश की बदहाल मेडिकल व्यवस्था देखने के बाद इसमें भी कोई दो राय है कि आपात स्थिति में शासन प्रशासन के लोग सरेंडर करने वाले हैं? ऐसे में तुरंत चुनाव करवाना क्यों जरूरी लगा, इसका सही जवाब तो चुनाव आयोग ही दे सकता है। साथ ही इस बात का भी जवाब आना चाहिए कि वर्चुअल रैली के सहारे चलने वाले चुनाव को कैसे निष्पक्ष कहा जा सकता है। क्या इन प्रदेशों के सारे राजनीतिक दलों के पास वर्चुअल रैली के लिए बराबर संसाधन हैं? क्या इन प्रदेशों में अलग अलग आबादी के पास डिजिटल उपकरणों की बराबर उपलब्धता है? क्या आचार संहिता के बीच इन प्रदेशों की जनता को वर्तमान आधी शक्ति की सरकारों पर पूरा भरोसा है?